पंजाब हिमाचल की टैक्सी यूनियन का विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह के हस्तक्षेप के बाद इस विवाद पर विराम लग गया है। पंजाब और हिमाचल की टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों की एक बैठक मंगलवार को सचिवालय में मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें दोनों टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों ने अपने पक्ष रखे और आपसी समन्वय बनाने को लेकर दोनों राज्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर सहमति बनी, जिसमें दोनों राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यदि कोई भी टैक्सी चालक वीडियो बनाकर वायरल करता है तो उस पर यह कमेटी संज्ञान लेगी। साथ ही मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सभी टैक्सी यूनियन को आपस में तालमेल बनाने को कहा। इसके अलावा निजी गाड़ियों को टैक्सी के रूप में चलाने का मामला भी मंत्री के समक्ष उठाया गया। जो है जो पिछले दिनों टैक्सियों का विवाद हिमाचल में चल रहा है, इसी के तहत जो है पंजाब से ट्राई सिटी मोहाली चंडीगढ़ सभी जगह से जो है यूनियंस के जो है प्रेसिडेंट्स जो है आज डेलीगेशंस यहाँ बुलाए गए और हिमाचल के भी यूनियंस के यहाँ पे लोग मौजूद हैं पूरे हिमाचल से। आपस में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का बात करी है और एक दूसरे के स्टेट्स में जाते हैं और ड्राइवर जो है वो जो भी ड्राइवर भाई हैं वो मजबूरी से गाड़ी चला रहे हैं और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहनी चाहिए। कुछ टैक्स के इश्यूज़ भी हैं, वो डिप्टी सीएम साहब से अभी मिल रहे हैं, उसके भी जो सुलझा लिया जाएगा वो भी मसला। और मकसद ये है कि कोई सवारी आती है तो और हमारे स्टेट में गेस्ट आता है, कोई ड्राइवर भी है वो भी हमारे स्टेट का, बाहरी स्टेटों के वो भी हमारे गेस्ट हैं, उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसको भी रहनी चाहिए, सेफ्टी उनकी रहनी चाहिए। टूरिस्ट जो उनके साथ सवारी आती है टूरिस्ट, उनकी भी हमारे को सेफ्टी जो है इंश्योर करनी चाहिए और हम लोग करेंगे, सरकार प्रतिबद्ध है ताकि हमारा जो टूरिज्म है हिमाचल प्रदेश का वो बूस्टअप हो सके। जो वीडियोस कुछ जारी किए जाते हैं सोशल मीडिया पर, उसकी वजह से देखिए एक दो लोग अगर कोई गलत वीडियोस डालते हैं उससे माहौल ख़राब होता है। तो हमने ये बोला अगर कोई वीडियो डाल रहा है तो अगर हिमाचल का कोई व्यक्ति डाल रहा है तो हिमाचल की यूनियंस जो हैं उसी वीडियो का विरोध करें ताकि जो है आपस में जो है समन्वय बना रहे। जी कार्रवाई के बाद जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उसके ऊपर एक्ट बनना चाहिए, ना कि चलान होना चाहिए, सीधे गाड़ियां बाउंड होनी चाहिए और उनके ऊपर केस बनने चाहिए। देखिए छोटी छोटी बातें कोई बात तो कुछ नहीं होती है, बात तो छोटी सी रोड रेज जिसको बोलते हैं रोड रेज की बात होती है, किसी ने ओवरटेक कर लिया तब जो है रोड रेज हो जाती है, ये सब सुलझा लिया जाए। वही ऑल हिमाचल देव भूमि टैक्सी यूनियन के सचिव नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि विभिन्न राज्यों के टैक्सी यूनियन विवाद का मामला पंचायती राज मंत्री के समक्ष उठाया गया, उनके द्वारा इस विवाद को सुलझाने को लेकर कदम उठाए गए, सभी यूनियन को इकट्ठा करके विवाद सुलझा लिया गया है। मेरा नाम नरेंद्र ठाकुर है और मैं देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन का संयोजक हूं। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा इस वक्त मौजूदा सरकार का और मौजूदा में जो हमारे पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी का, क्योंकि जब भी ये हमारा द्वेष आपस में बढ़ा विभिन्न राज्यों का तो उसके बाद हम तुरंत जो है मंत्री जी से मिले और मंत्री जी हमने आग्रह किया कि आप इस बात को बिठाने का प्रयास करें, अगर सरकार इसमें पहल करेगी तो ये एक पॉजिटिव मैसेज आएगा पूरे इंडिया के लिए और हम सब टैक्सी ऑपरेटरों के लिए। तो मंत्री जी ने हमारी बात का मान रखते हुए उन्होंने तुरंत बैठक बुलाई और हमने सभी से आग्रह किया अन्य राज्यों से कि आप आइए और मीटिंग में हम इस बात का जो है सोल्यूशन निकालेंगे। और धन्यवाद करना चाहूँगा मैं सुक्खू सरकार का, मंत्री जी का, कि उन्होंने आज इस बात पे हमारा जो है अन्य राज्यों के साथ समझौता कराया और आने वाले टाइम के लिए जो है एक अच्छे संबंध के साथ हम टूरिज्म को यहाँ पे डेवलप करेंगे। वहीं ट्रांसपोर्ट एकता पंजाब के सोहन सिंह नभा ने हिमाचल सरकार के इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अब विवाद खत्म हो गया है, जो भी टैक्सी चालक इस तरह की वीडियो वायरल करता है उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। देखो सर, मैं सोहन सिंह नभा ट्रांसपोर्ट एकता अलायंस पंजाब जनरल सकत्तर पंजाब। सो पहला तो मैं धन्यवाद करना जी हिमाचल सरकार का, तो हिमाचल दियाँ जिन्या भी सत्कार जो यूनियन ने यह उपराला किया है पंजाब और हिमाचल हरियाणा के भरावान कट्ठे करने वास्ते, सो उन्हों का बड़ा शुक्रगुजार है। तो सानू एक आस उम्मीद बद्धी साढ़े कारोबार के वाधा होगा, तो आने वाले समय के जो मुश्किल ने कोई क्रिएट नहीं करेगा, असं रल मिल के उसका हल कटा। जो मुश्किल आने सर वो ज़्यादातर जिमें कहने भी लोकल लोग ला लो उन्होंने, मतलब जिस तरह के हम साड़िया गड्डिया बाहरों आ रही हैं, असी ड्राइवर हाँ जेडे सानू लाइसेंस से इको गल आखी जाते भी जदों भी तुसी किते भी गल जा रहे हो सिंगल रोड जा रहे हो ओवरटेक नहीं करना, तो बिल्कुल असी कदे ओवरटेक नहीं किते। हिमाचल सरकार वालों ये ला नहीं मंजूर किया गया, उरे दे जो लोकल ड्राइवर ने वो ओवरटेक भी कर देंगे उत्थी गड्डिया बाय करके, तो
पिछे आ जाते हैं जितों विवाद पैदा हो जाता है तो सवारी बहुत मुश्किल आती है। जो सवारी नाल होंगी तो वो जी ड्राइवर की कैटेगरी कित भी नहीं रखी सरकार ने। मेरी पहली बेनती तो सरकार को है भी ड्राइवर का जोड़ा सन्मान है वो बरकरार होना चाहिए। अगर कोई हादसा कोई मुश्किल आँदी है पहल के आधार पर ड्राइवर की जीड़ी सुरक्षा है ना वो यकीनी की जाए। सानू बहुत उम्मीदा ने। देखो विवाद तो बिल्कुल खत्म है, असं विवाद वाली गल कोई करे नहीं रहे। जिहड़े कुछ लोग इदा करते हैं उन्होंने असी ने इको गल कही भी चाहे साढ़े कोई आगू है जिहड़ा भी भड़काऊ बयान दिंदा है जां कोई वीडियो बना के ग्रुपां च पाउंदा है उन्होंने कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए है और उन्होंने हटा के उन्होंने जगह नवा अहुदेदार लाना चाहिए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बदन की रिपोर्ट। हवाबाजी नहीं सच की पहचान है। एशिया की बेस्ट इमर्जिंग यूनिवर्सिटी बनना हमारा अभिमान है। पहाड़ों की गोद में बसी देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी जहां 120 से ज्यादा कोर्सेज और 80% से ज्यादा का प्लेसमेंट रिकॉर्ड हमें बनाता है नॉर्थ की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक। 2024 के लिए एडमिशन ओपन, आज ही संपर्क करें। हिमाचल जहां कदम कदम पर है कहानी और हर मोड़ संगम है लय और ताल का, लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आई है हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन, हिमाचल डांस चैंपियनशिप सीजन 2। पहले सीजन की शानदार कामयाबी के बाद दूसरे सीजन के ऑडिशन जल्द ही शुरू हो रहे हैं। सीनियर जूनियर एज ग्रुप में सोलो ड्यूट और ग्रुप डांस के मुकाबले, वेयर फैशन मीट्स परिसेशन एंड टैलेंट टेक्स सेंटर स्टेज। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि सेलिब्रेशन है हिमाचल की प्रतिभा का। ऑडिशन, सेमीफाइनल, टीवी राउंड्स, ग्रूमिंग और डांस बैटल्स का सीधा प्रसारण केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। रंगारंग ग्रैंड फिनाली हिमाचल के टॉप 20 डांसर्स के साथ मंत्रमुग्ध करने वाला ग्रैंड फिनाले जहां हिमाचल के बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉम्पीट करेंगे हिमाचल डांस चैंपियनशिप टाइटल के लिए। विजेता को नगद इनाम भी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने शहर की डांस एकेडमी में संपर्क करें। हिमाचल डांस चैंपियनशिप के फेसबुक पेज से आज ही जुड़े और पाए कंपटीशन की हर अपडेट।